नमस्कार दोस्तों। तो इस साल Motorola H50 सीरीज के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट सीरीज है, फॉर एग्जांपल Motorola H50, H50 Fusion, H50 Ultra, H50 Pro, मतलब H50 रिलेटेड सब कुछ ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन पिछले साल बिग बिलियन डे से पहले एक स्पेशल सीरीज लॉन्च होता है जो कि न्यो सीरीज, मतलब जिसका नाम था H40 Neo। तो कहा जा रहा है कि इस बार उसका नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है जिसका नाम होगा H50 Neo। और इस स्मार्टफोन का क्या डिजाइन होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, सब कुछ ऑलरेडी लीक हो चुका है। तीसरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो H50 Neo नाम का जो फोन लॉन्च होने वाला है, इसका पूरा डिजाइन, स्पेसिफिकेशन और प्राइस, और जिस प्राइस पर में आएगा तो क्या सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा कि नहीं, इस वीडियो में हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं जो H50 Neo इस बार पीछे से दिखने में होगा एग्जैक्टली ऐसा। ये फोन आपको मल्टी कलर पे देखने को मिलेगा। इसका थिकनेस होगा 8.1 मिलीमीटर और वेट होगा 171 ग्राम। इसके पीछे आपको मिलेगा लेदर का बैक कवर, साइड में आपको मिलेगा प्लास्टिक का फ्रेम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.4 इंच फुल एचडी प्लस 10 बिट 120 हर्ट्ज फ्लैट पोलेट डिस्प्ले, जिसके साथ 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1600 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन, इसमें आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। मतलब इस चीज का साथ प्राइस पॉइंट की सब चीज का जो डिस्प्ले वो ठीक ठाक है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा डायमेंसिटी 73005G प्रोसेसर। कैमरे के मामले में आपको इसे मिलेगा 50-13 और 10 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, साथ में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसका जो 50 मेगापिक्सल मेन रियर कैमरा वो डेफिनेटली आपको सोनी की तरफ से तो मिलेगा, लेकिन सोनी के कौन सा वाला सेंसर का कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। जो 13 मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर वो एक अल्ट्रावाइड है और जो थर्ड 10 मेगापिक्सल सेंसर वो एक टेलीफोटो है। और इसके रियर कैमरे के साथ आपको OIS, EIS दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये जो फोन काजरी के टोटल दो वेरिएंट में आएगा, 6 128GB, 8 256GB। रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2, जिसके साथ कोई भी डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 4310mAh बैटरी, साथ में 68W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो अगर हम इसके कुछ बाकी फीचर की बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर जिसके साथ है Dolby Atmos का सर्टिफिकेशन, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP68 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन। और अगर हम इसके OS अपडेट साइकिल बारे में बात करें तो 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज किस प्राइस में लॉन्च होने वाला, तो देखिए ये इसका सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि अगर हम आज के दिन में इंडियन मार्केट में देखेंगे तो Motorola का कोई ना कोई नया स्मार्टफोन उस प्राइस पॉइंट में अवेलेबल है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये जो स्मार्टफोन 25,000 से 30,000 के अंदर लॉन्च होता है तो उस प्राइस पॉइंट में Motorola H50 ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर 20,000 से 25,000 के अंदर लॉन्च होता है तो H50 Fusion ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर 18,000 से 20,000 के अंदर लॉन्च होता है तो G85 ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर 15,000 से 18,000 के अंदर लॉन्च होता है तो G54 और G64 ऑलरेडी अवेलेबल है। इसलिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो स्मार्टफोन एक्चुअली किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा, लेकिन इसका फ्लैट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले डायमेंसिटी 7300 उसके साथ जस्ट 4310mAh के बैटरी को देखकर मुझे यही चीज लग रहा है, शायद ये जो स्मार्टफोन वही जो CMA Phone 1 ऑलमोस्ट उस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा। तो इसलिए जितना मुझे लग रहा है ये स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हो सकता है 16,000 से 17,000 के आसपास। और अगर 16,000 से 17,000 पे लॉन्च होता है तो शायद Motorola अपना जो G64 उसे डिसकंटिन्यू कर देगा। तो अभी देखिए वीडियो के आखिर में अगर मैं मेरे ओपिनियन देता हूँ तो इसका जो डिस्प्ले मुझे डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया लगा। प्रोसेसर डायमेंसिटी 7300 बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अगर 16-17,000 के आसपास लॉन्च होता है तो। कैमरा नो डाउट इसका बहुत ही बढ़िया, इसमें मुझे कोई भी शिकायत नहीं। रैम और स्टोरेज का क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है। बाकी सब कुछ IP68 ये सब भी ठीक ठाक है, लेकिन जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है वो इसका बैटरी लाइफ, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 4310mAh बैटरी जो कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी लो है। मतलब एटलीस्ट 5000mAh बैटरी होना ही चाहिए था। तो इसलिए जितना मुझे लग रहा है ये जो स्मार्टफोन वैसे तो बहुत ही बढ़िया होगा 15-16,000 के आसपास, लेकिन स्पेशली इसके बैटरी लाइफ के लिए इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब बैटरी ड्रेन इसमें आ सकता है। तो अभी आप मुझे कम से कम बताने कि अगर Motorola H50 Neo इंडियन मार्केट में वही 17,000 के आसपास लॉन्च होता है जिसमें आपको एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले डायमेंसिटी 7300 बढ़िया कैमरा सेटअप और जस्ट 4310mAh बैटरी मिलता है तो क्या आप इस फोन के ऊपर 17,000 रुपए खर्चा करना चाहेंगे या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव।
थैंक यू।